पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है एससी एसटी आरक्षण में, उससे कुछ वर्ग सहमति दिखा रहे हैं तो बहुजन समाज का ज़्यादातर हिस्सा आग बबूला हो चुका है। उनका कहना है कि 3,000 सालों से चलते आ रहे ब्राह्मणों के 100% आरक्षण पर किसी की नज़र नहीं जाती, आज भी वो प्रथा चालू है। और पिछले 70 सालों से जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी को जो आरक्षण मिल रहा है, वो इन्हें देखा नहीं जा रहा। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, वो बाबा साहब के दिए गए संविधान के खिलाफ है, ऐसा कई बहुजन नेताओं का कहना है, जिसमें सबसे बड़ा नाम है मायावती जी, फिर आते हैं चंद्रशेखर और चिराग पासवान जी। कुछ बीजेपी के नेताओं ने भी इसका विरोध किया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो कास्ट क्रिमिलेयर चल रहा है, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये बंद होना चाहिए और जैसा जिसको आरक्षण मिलते आ रहा है वैसा ही मिलना चाहिए। और मज़े की बात तो देखिए दोस्तों, कि अभी भी शेड्यूल कास्ट में 54 जातियाँ हैं, जिसमें से सिर्फ 2 जाति महार और चमार, यही लोग सड़कों पर उतर कर आंदोलन करेंगे। जब भी संविधान पर खतरा होता है या किसी दलित पर अत्याचार होता है, तो यही लोग सामने आते हैं, बाकी सिर्फ आरक्षण के नाम पर मलाई खाते हैं और बदनाम होते हैं बौद्धिस्ट, कि ये लोग आरक्षण के बदौलत यहाँ तक आए हैं। वैसे ही एसटी वाले तो बिल्कुल ही खामोश है, अभी भी वक्त है, समय है, जागो। ओबीसी तो सोया हुआ है, कम से कम तुम जागो, क्योंकि अगर अब ये आरक्षण हट गया तो अगली बारी ओबीसी की है। चंद्रशेखर भाई ने क्या कहा वो तो मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ, देख लीजिए। मैंने जिस दिन ये ऑर्डर आया था उसी दिन अपना पक्ष रख दिया था। पहली बात, एससी एसटी का जो रिजर्वेशन है उसका आधार आर्थिक नहीं है कि उसमें क्रीमी लेयर या वर्गीकरण किया जाए। उसका आधार जो है वो अनटचेबिलिटी है, छुआछूत है, भेदभाव है, जाति उत्पीड़न है। तो सर्वोच्च न्यायालय को हमारी फिक्र, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय को सबसे पहले उनके ऑर्डर के अकॉर्डिंग जातिगत जनगणना करानी पड़ेगी, फिर तो उसके आंकड़े जुटाने पड़ेंगे, उसके आर्थिक आंकड़े भी जो है जारी करने पड़ेंगे, तभी वो इस चीज सब चीजें कर सकती है। तो उनको करना पहले चाहिए, अगर वो दलित वर्गों के इतनी तेजी हैं तो उनको सब सारा बैकलॉग भरवाना चाहिए और जातिगत जनगणना के ऑर्डर सरकार को देने चाहिए। अगर एससी एसटी एकजुट रहेगा तभी अपनी लड़ाई लड़ पाएगा। हम तो लंबे समय से अभी जो है एसजीपीजी जो है वहां लखनऊ में और इलाहाबाद जो है यूनिवर्सिटी में जिस तरह से एनएफएस करके हमारे लोगों को निकाला गया, यह स्पष्ट है उन एनएफएस को भरवाने के लिए सरकार ने क्या किया, उन एनएफएस को भरवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, तो वो कुछ नहीं किया है। हाँ, हमेशा कोशिश की गई है कि इनके जो लड़ने वाले लोग हैं उनकी ताकत कम किया जाए। अब एससी एसटी बटने वाले नहीं, आप ही देख लो इस फैसले का कितना समर्थन, कितना विरोध हो रहा है, तमाम लोगों में इसका विरोध है। तो हम स्पष्ट है कि हम अपने लोगों को बटने देंगे और हमें अपने लोगों की चिंता है, इसलिए हमने स्वतः जो है 1.5 साल पहले मांग की थी कि जिन जातियों को अवसर नहीं मिला है उनको उनका आरक्षण बढ़ा के 15% शेड्यूल कास्ट को मिलता है और 5% बढ़ा के उन बाकी जातियों को आरक्षण देने की व्यवस्था सरकार करे। ये 1.5 साल पहले हमने लखनऊ पीसी करके कहा था और दिल्ली में भी, और जो ओबीसी की वैसी जातियां उनको भी जो है 15% अलग से रिजर्वेशन देने का काम जो है 27% अतिरिक्त सरकार करे, लेकिन कहां सुना, सुप्रीम कोर्ट ने भी सुना। तो जब आप ईडब्ल्यूएस 10% दे सकते हो तो आप जो है 5% शेड्यूल कास्ट के लोगों को बढ़ा क्यों दे सकते। तो मेरा मत तो ये है कि 100% रिजर्वेशन 2% सरकारी नौकरी में कर देते, 98% प्राइवेट सेक्टर है, 2% सरकारी नौकरी में 100% रिजर्वेशन होगा, तो इसकी इतनी संख्या उसको आधार पर उसको मिलना चाहिए। हम सहमत है, हमारे भाइयों को कुछ मिलेगा तो हम तो आगे बढ़कर उनका स्वागत करेंगे, लेकिन अगर कोई साजिश करके, कोई षड्यंत्र करके हमारे अधिकारों को लूटने काम किया, छीनने का, तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, डाका नहीं बर्दाश्त करेंगे अपने हकों पे। इसके लिए चाहे सरकार से जो अध्यादेश लाने की बात हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट में जो है रिपिटिशन दाखिल करने की बात हो, या मैं आज सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो शेड्यूल कास्ट और ट्राइब के हैं या जो सामाजिक न्याय को मानते हैं उन सबसे चर्चा करूंगा, और बहुत जल्द जो है एक बड़ा जो है हम अपना इस संघर्ष का स्वरूप सरकार और सुप्रीम कोर्ट को दिखाएंगे। हम पीछे हटने वाले नहीं, हम अपने अधिकारों के लिए, स्पेशली मैं चंद्रशेखर आजाद अपने लोगों के अधिकारों के लिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जब मेरे हित में और देश हित में टकराव होगा तो मैं देश की तरफ रहूंगा, लेकिन जब मेरे समाज के हित में और देश हित में टकराव होगा तो मैं समाज की तरफ रहूंगा। मैं फिर आज कहता हूं कि अगर कोई भी हमारे अधिकारों छीनने काम करेगा तो हम हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं। मैं अपने समुदाय के साथ खड़ा हूं, उनको ना बटने दूंगा ना उनके अधिकार में कटौती होने दूंगा, उनके लिए खड़ा हूं, उनके लिए था, उनके लिए हूं और उन्हीं के लिए हम लोग राजनीति कर रहे हैं। धन्यवाद। मायावती जी का क्या कहना है मैं आपको बताता हूं दोस्तों। पिछले 2 दिनों से ट्विटर पर ये ट्रेंड चल रहा है कि 21 अगस्त को भारत बंद
होगा, ऐसा मायावती जी ने भी कहा है और चंद्रशेखर जी ने भी कहा है। मायावती जी ने कहा कि इस तरह के आरक्षण को ही खत्म करने की साजिश हो रही है। सब कोटा पर मायावती जी ने कहा कि इससे सरकारें अपने मन से किसी भी जाति को कोटा दे सकेंगी और अपने राजनीतिक हितों को साधा जा सकेगा। ऐसा फैसला ठीक नहीं है। यही नहीं, उन्होंने क्रीमी लेयर पर भी सुप्रीम कोर्ट की राय का विरोध किया। मायावती जी ने कहा कि यह बात सही है कि दलित समाज में 10% लोगों के पास पैसा आया है, वह बड़े पदों पर पहुंच चुके हैं, लेकिन उनके बच्चों से आरक्षण का लाभ नहीं छीना जा सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि जातिवादी मानसिकता के लोगों के विचार अब भी नहीं बदले हैं। पैसा आने के बाद भी समाज में स्वीकारा नहीं जाता, ऐसे में उनसे आरक्षण छीनना ठीक नहीं होगा। इसी बीच भाजपा और कांग्रेस ने इस मामले पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है, लेकिन आगरा की कैंट सीट से विधायक जीएस धर्मेश एक्टिव हो गए हैं। उन्होंने रविवार को भारत बंद का समर्थन करते हुए समाज के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। जीएस धर्मेश दलित समुदाय से आते हैं। तो आई होप दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि मायावती जी और चंद्रशेखर जी का क्या कहना है। 21 अगस्त को भारत बंद का नारा है दोस्तों, और वो होके ही रहेगा। बाकी जो लोग सोए पड़े हैं वो जागो और इस आंदोलन का आप हिस्सा बने, यही आपसे गुजारिश करते हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को दोस्तों नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान।